वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया है। नवांशहर में खेतों में गिरा MiG-29 प्लेन, पायलट ने कूदकर बचाई अपनी जान। गांव रुड़की के पास शुक्रवार करीब 11:45 बजे विमान में तकनीकी गड़बड़ी आई, इसके कारण वो खेतों में क्रैश हो गया। विमान का पायलट MK पांडे पैराशूट के जरिए आखिरी मौके पर विमान से कूद गया। खेतों में जहाज गिरने के कारण गांव के लोगों ने पायलट की मदद की। विमान ने सुबह करीब 10:30 बजे आदमपुर एयरपोर्ट से रोजाना की तरह रूटीन में उड़ान भरी थी। 15 मिनट बाद ही नवांशहर के पास क्रैश हो गया। भारतीय वायुसेना का कहना है कि MiG-29 विमान परीक्षण मिशन पर था। विमान में तकनीकी खराबी आई थी और इसके साथ ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दे दिया गया है। MK पांडे नाम है पायलट का, और ये MiG-219 उन्होंने इस कार मुझे नाम बताया जो ये इनका पेन था, और वो कह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वो पहले जंप कर रहे थे। जितेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट, लाइव अमृतसर। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।